माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा बोल गणेश भगवान की जय। चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली का चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है अध्य दे। बहन अपने भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे, तो भाई भाभियों बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले से गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम सात भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं, जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथा माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने दिखलाई दी तो वह बोली कि माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है। जगदम्बे कहाँ जाए, बोल शेरा वाली तुझे क्या कहाँ जाए। मैंने टीका बनाया, मैंने सोने का टीका बनवाया, मेरी माँ को पसंद नहीं आया। मैंने सोने का टीका बनवाया, मेरी माँ को